थोड़ा सबर रखना मेरी जान, देर से ही सही, महाकाल सुनते जरूर हैं। सब जगह से ब्लॉक करके कहती है तुम मुझे मनाते नहीं हो। कहाँ से मनाऊं? यूट्यूब से। जितना भी कर लो प्यार, हमको तो कम लगे। तो मिस्टर रेस्टी, क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको कंट्रोल करती है? बीवी ने बोलो नहीं। बीवी ने बोलो नहीं। नहीं। भाई गुटखा पर दाम बढ़ गए, अब क्या करोगे? करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और क्या। इंडिया में सिर्फ मैसेज करने से काम नहीं चलता, फोन करके बताना पड़ता है कि भाई मैसेज किया है, देख ले। तो क्या इरादा है भाई? हाँ, एक बात बतायो यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला। एक तो मैं इतनी ज्यादा सुंदर, ऊपर से मेरी बातें, उफ। मुझे एक बात पूछनी थी, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो वो मजाक उड़ के चला कहाँ जाता है? आपकी तारीफ। हाँ करो। तुझे पता है मैं इंग्लिश बहुत जानता हूँ। चाहे तू इंग्लिश कितनी भी जानता है, लेकिन तेरे पीछे कुत्ता पड़े ना तो ऑटो नहीं करना पड़ता, एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलता। शादियों में औरतें एक दूसरे के कपड़े देखकर जलती हैं और बेचारे पुरुष एक दूसरे की बीवी। 20 लड़कों का काट कर उसने रिंगटोन लगा रखी है। आग तो नहीं हूं मैं, लेकिन लोग फिर भी मुझसे जलते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। हाँ मुझे बहुत मारती है। खामोश रहती हूँ क्योंकि जानती हूँ अगर बोलूंगी तो धज्जियां उड़ा दूंगी। आप कुछ उदास ही लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ भरभूति जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, आपसे सेट ना हुई हैं। आप बोले भाभी जी, उसे अपसेट कहते हैं। हम कल बैंक गए थे, वहाँ एक आंटी बोली बेटा हमको बताइए हमारा बैलेंस कितना है, चेक करके बताइए। अब आंटी को धक्का दिया मैंने, वो गिर गई। काफी कमजोर बैलेंस था उनका। श्री कृष्णा कहते हैं किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो इस दुनिया में हर कोई देता है। छोड़ो शायरी हो जाए। अच्छा शायरी, कि कल वो पढ़ाने आई थी काली साड़ी में। क्या बात है, कि कल वो पढ़ाने आई थी काली साड़ी में। वैसे छोटे तुम पढ़ते कहाँ हो? आड़ी बाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। पता नहीं उसने बात कर लेना, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, लेते आऊंगा। मुझे ना महंगे तोहफे बहुत पसंद है, तो जब आओ वक्त लेते आना। घर में बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हो, घर बेच दो। तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अरे वाह, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना। और अगर नरक में जाऊँ तो क्या भेजूँ? बस अपनी वीडियो भेज देना। हर नाराज औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, जिस बेचारे को यह भी पता नहीं होता है कि उसने किया क्या है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। दारू पीऊं मैं? दारू पिलावा तो बता दे।